नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। समान नागरिक संहिता, ये जितना कानूनी मामला है उतना ही राजनीतिक भी, और इसके पक्ष और विपक्ष में खड़े रहने वाले कई लोग आक्रामक हैं। हमारे साथ इस वक्त केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, जो संविधान, कानून और इस्लाम के भी खास जानकार हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हंगामा क्यों है और इसके क्या क्या वजह और हो सकती हैं। आरिफ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल सर आपसे है कि क्या देश में यूसीसी लागू करने की जरूरत है? आप क्या मानते हैं इस पर? मैं मानता हूं कि ये प्रश्न अपने आप में सही नहीं है। हम सब मानते हैं कि संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसमें हमारी आस्था है, और संविधान साफ तौर पर निर्देशित करता है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो अध्याय है कहता है कि इनको कोर्ट से तो लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन देश का शासन चलाने में इनकी प्राथमिकता होगी, और राज्य का ये कर्तव्य होगा कि इनको कानून बनाते वक्त इन सिद्धांतों को लागू किया जाए। तो ये हमारे पास चॉइस नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पिछले 75 साल में हम अपना ये कर्तव्य निभाने में नाकाम रहे, और हमें जितनी जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो सके, हमें इस कानून को लागू करना चाहिए। आरिफ जी, एक बड़ा तबका है यूसीसी का जो विरोध कर रहा है, और उसमें मुसलमानों का एक बड़ा पक्ष है जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और कुछ खास धर्मों के लिए यूसीसी को लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पर? मैं मानता हूं कि उन बेचारों को कोई जानकारी नहीं है, तो उनके साथ केवल आप सहानुभूति जता सकते हैं। क्या उन्हें पता है कि जिस कानून का नाम हिंदू कोड बिल है वो शास्त्रों पर आधारित नहीं है? क्योंकि अगर शास्त्रों पर आधारित होता तो तलाक का प्रोविजन नहीं हो सकता था। अगर शास्त्रों पर आधारित होता तो लड़कियों का हिस्सा बाप की संपत्ति में नहीं हो सकता था। अच्छा, एक जी जी, इसको उसको सांप्रदायिक रंग देना अपने आप में, ये या तो ये कहिए कि उनके निहित स्वार्थ हैं, या ये कहिए कि वो पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है कानून के बारे में। एक और बात जो बार बार कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि बहुविवाह और हलाला, ये वो मुद्दा है जिसको लेकर इसके विरोध में कोर्ट किया जा रहा है। तो स्पेसिफिक इन मुद्दों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अरे भाई, इससे बड़ा जवाब क्या होगा कि 1947 से पहले, जब इस देश के विभाजन, हमारी आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसके साथ एक धारा और थी जो देश का विभाजन मांग रही थी, और उनका जो आधार था वो ये था कि अगर विभाजन नहीं हुआ तो हमारा धर्म खतरे में होगा, हमारा कानून खतरे में होगा, हमारी संस्कृति खतरे में होगी। अब 1947 में विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, यही 1937 वाला कानून पाकिस्तान में भी लागू था। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाए जाने के बाद 1962 में उन्होंने इस कानून को का संशोधन कर दिया, उन्होंने 3 तलाक पे भी पाबंदी लगा दी, उन्होंने हलाले पे भी के बारे में भी उसमें प्रोविजन कर दिया, उन्होंने बहु विवाह पर भी पाबंदियां लगा दी। तो वो इस्लाम के नाम पे देश बना था, उन्होंने तो अब उस कानून को बदल दिया। सारे ज़्यादातर अरब देशों में जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ पर आप सऊदी अरब चले जाइए, ज़रा पूछिए क्या 3 तलाक लागू है? तो ये अपने आप में ये लोग वो बात कह रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे अकेला हिंदुस्तान एक कुछ यहाँ पे इस्लाम या मुसलमान वो कुछ विशेष, वो जैसे पूरी दुनिया से अलग है। अरे भाई, पूरी दुनिया में इस कानून में संशोधन हुआ है। अरबों ने तो 19वीं सदी के शुरू में ही इसमें संशोधन करने शुरू कर दिए थे।
ये तो चलिए इस्लाम की बात रही, ये आरिफ जी किस तरह से मानी जा सकती है? लेकिन सिख संगठन SGPC भी ये कह रहा है कि ये उनके धर्म में दखल है, इंटरफेरेंस है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, इसलिए कि मैं बहुत विनम्रता से उन लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कानूनी तौर पे सिखों के ऊपर तो पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हिंदू कोड बिल सिर्फ हिंदुओं पे लागू नहीं है, सिखों पे भी है, बुद्धिस्ट पे भी है, जैन पे भी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो हमारे सिख भाई या बुद्धिस्ट भाई वो तो या जैन भाई वो तो कहीं से भी प्रभावित नहीं होते, उनके ऊपर तो पहले से ही हिंदू कोड बिल लागू है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि क्लियरिटी का अभाव है जिस वजह से इस पर हो हंगामा है। और ये ध्यान रखिएगा कि हिंदू कोड बिल को हिंदू नाम जो दिया गया था वो इसलिए नहीं बिला वजह के भ्रम पैदा किए जा रहे हैं जान बूझ के, इसलिए कि वो ताकतें तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ये भ्रम पैदा करेंगे हमारे दिमागों में, क्योंकि वो भारत की जो बढ़ती हुई हैसियत है आज दुनिया में उसको लेके परेशान है। हम अगर दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरना चाहते हैं, आज हम पांचवी इकोनॉमी हैं, तो क्या हम जो आधुनिक दुनिया है उसके जो तकाजे हैं उनको ध्यान में नहीं रखेंगे? असदुद्दीन ओवैसी भी आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि सरकार मुस्लिमों पर भी हिंदू कोड बिल को लागू करवाना चाहती है और ये पूरा मकसद है। और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला आते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर ये लागू हो गया तो इससे तूफान आ जाएगा। अब उन्हें बिचारों को ये भी नहीं पता है कि जब हिंदू कोड भी लाया तो बहुत सारे हिंदू थे जो उसके विरोधी थे, चूंकि वो शास्त्रों पर आधारित कानून नहीं था ना है। अब इन्हें पता नहीं इन्होंने कहाँ पे कौन सी किताब में पढ़ा है, जब हिंदुओं पे ही शास्त्रों का कानून लागू नहीं है तो मुसलमानों पे कहाँ से आ जाएगा? अच्छा एक और बात कही जा रही है आरिफ जी, जो शाबानो केस तलाक है क्या उसकी कोई कल्पना किसी धर्मशास्त्र में है? शाबानो केस UCC के सिलसिले में ऐतिहासिक माना जाता है और उस वक्त सरकार के खिलाफ आप गए थे, क्या तब से अब तक कोई फर्क आया है जो आपको लगता है कि अब यूसीसी को लाने का वक्त आ गया है? शाबानो तो बहुत ही गंभीर मामला मैं मानता हूँ, इसलिए के शाबानों को पर्सनल लॉ के किसी प्रोविजन में न्याय नहीं मिला था। वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125 जिसका प्रावधान इसलिए किया गया था कि अगर कोई इस स्थिति में नहीं है कि अपने शरीर और आत्मा को साथ रख सके तो उसके लिए तरीका ढूंढा गया था कि कहां से उसको कुछ दिलवाया जा सकता है ताकि उसकी दो वक्त की रोटी की जरूरत पूरी हो जाए। वो तो इतना बड़ा जघन्य अपराध था कि हमने ये तो चलो माना हुआ था कि पर्सनल लॉज धर्म पर आधारित होंगे, लेकिन 1986 में जब सुप्रीम कोर्ट में शाबानों के दिए गए फैसले को पलटने के लिए कानून बनाया गया, तब तो ऐसे मामले में कानून बनाया गया जिसका सीधा संबंध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से था। यानी एक तरह से मैसेज दिया गया कि अब केवल सिविल लॉ नहीं, सिविल लॉ सारे पर्सनल लॉ नहीं धर्म आधारित होंगे, क्रिमिनल लॉ भी धर्म आधारित बनाने की शुरुआत की गई थी। तो वो तो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन आरिफ मोहम्मद जी, 2018 में जब लॉ कमीशन ये कहता है कि सरकार लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान का निर्देश है, तो फिर अब क्यों लाने की आवश्यकता पड़ रही है? हाँ ठीक है, लॉ कमीशन की अपनी राय है, लेकिन उससे पहले लॉ कमीशन तो एक एडवाइजरी बॉडी है ना। हमारे देश का जो हाईएस्ट कोर्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश के कई सारे हाई कोर्ट बार बार कह चुके हैं, 1985 में चीफ जस्टिस उस वक्त थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने शाबानों केस में कहा कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड डेड लेटर मुर्दा शब्द बन के नहीं रह जाना चाहिए। उसके बाद अभी हाल में गोवा में कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन करते हुए जस्टिस बो चीफ जस्टिस बो एएस बोबडे उन्होंने क्या शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मन में भ्रम है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनको गोवा आना चाहिए और देखना चाहिए कि गोवा में उसको किस तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। जैसे अभी आपने बोबड़े साहब का नाम लिया आरएफ जी, रस्मों रिवाज क्या ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों में जिन तबकों में यूसीसी को लेकर विरोध है उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कम से कम उनसे बात की जाए और उन्हें बताया जाए कि ये सही बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखिए और राय जब एक हो जाए तब फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्या ये मुमकिन है? आप तो मशवरे की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि जब लॉ कमीशन ने सबकी राय मांगी है तो पर्सनल लॉ बोर्ड या जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो अपना मुसव्वदा दे देना लॉ कमीशन को। क्या वो समझते हैं कि उनके दिए हुए सुझावों पर विचार नहीं होगा? और अगर उनके दिए हुए सुझावों पर विचार नहीं होगा और उस वक्त वो विरोध करेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि विरोध सही है। अरे यही तो प्रक्रिया है जो लॉ कमीशन ने शुरू की है कि हम मशवरा करना चाहते हैं लोगों से। अब आप तो बगैर मुसव्वदे के बगैर कोई ड्राफ्ट आए हुए आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप तो उस सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं कि देश में जो सिद्धांत संविधान ने कायम। हाँ ड्राफ्ट आ जाता, ड्राफ्ट आने के बाद ये लोग कहते कि हमें इन प्रोविजंस पर एतराज है, तो बात समझ में आती। वो तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए, उसका विरोध कर रहे हैं। वो तो बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। जो सरकार संविधान में वास्तविक रूप में विश्वास करती है उसे अपना दायित्व को संस्कृत में धर्म कहते हैं। जो ये मानती है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना उनके अनुरूप कानून बनाना हमारा दायित्व है, वो सरकार तो बात वो उस सरकार को तो बात करना पड़ेगा। ये तो बात का विरोध कर रहे हैं। हाँ मुसव्वदा आने के बाद किसी प्रोविजन पे एतराज है उस पर बातचीत हो सकती है। अच्छा एक और जानकारी तमाम उन दर्शकों के लिए जो पहले से जानते हैं बहुत अच्छा कि गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है और जस्टिस बोबड़े का जो जिक्र कर रहे थे आरिफ मोहम्मद साहब वो कह रहे थे कि जो लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो वहाँ जाकर देखें कि किस तरह से उसे लागू किया गया है। लेकिन उत्तराखंड में तो ड्राफ्ट आ चुका है सामने, आप इस पर क्या कहेंगे क्योंकि उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। संविधान में इस तरह का क्या प्रोविजन मौजूद है कि राज्य अपने स्तर पर यूसीसी को लागू कर सकते हैं? यह भी एक अलग से बहस का विषय बना हुआ है इस वक्त क्योंकि इसे कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं नहीं ये कोई नहीं, अच्छा तो ये है कि ये केंद्र की तरफ से होना चाहिए लेकिन राज्यों को अधिकार है। अगर अधिकार ना होता तो गोवा में कैसे होता यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन एक बात जो जिस चीज़ के लिए हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने जो बात कही उसमें क्या मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि गोवा आके देख लो, ये जो बताया जा रहा है कि फिर तुम निकाह नहीं कर पाओगे, तुम अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाओगे, क्या ये हो गया गोवा में? हर किसी को आज़ादी है अपने अपने तरीके से अपने रीति रिवाज के मुताबिक काम करने की, शादी करने की, कोई भी काम है। हाँ एक बात है कि फिर कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा जब आप न्याय लेने के लिए ख़ास तौर से मानिए दो महिलाएं एक ही किस्म की इस परिस्थितियों में कोर्ट जाती हैं तो कोर्ट उनके लिए समान न्याय नहीं है आज की तारीख में। वो पूछेगा उनसे आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं कि सिख हैं। यूसीसी आने के बाद कोर्ट ये नहीं पूछेगा किसी से कि तुम्हारी धार्मिक आस्था क्या है, बल्कि वो कानून के मुताबिक हर किसी को
समान न्याय देगा। तो फिर आरिफ जी, ये बात क्यों एक बड़ा तबका, खास तौर पर मुसलमान, नहीं समझ पा रहे हैं, और उनको आप अपने जरिए क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि उन्हें ये डर है कि जिस विविधताओं का देश हमारा कहलाता है, कि विविधताओं के बावजूद भी एक एकता नजर आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उन विविधताओं पर चोट करेगा। बात असल में ये है कि हम आज़ादी से पहले हमारे यहाँ अंग्रेज ये कहता था कि भारत राष्ट्र नहीं है, ये विभिन्न समुदायों का समूह है, इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया था। हर कम्युनिटी अपना, हिंदू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे पार्लियामेंट के लिए, मुसलमान अपना चुनेंगे। अब हमने कानून, संविधान हमारा जो आया उसने कहा कि नहीं, इस आधार पर कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र का प्रतिनिधि होगा जो भी होगा, और उस क्षेत्र में रहने वाले सब लोगों का प्रतिनिधि होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं किए हैं या तैयार नहीं है। अच्छा, और खास तौर से उन जगहों पे जहां उन्हें लगता है कि किसी समुदाय विशेष का बहुमत है, तो उन्हें लगता है कि काम करने, नहीं मैं ये बात कह दूं कि काम करने की जरूरत नहीं है, रोड और अस्पताल और शिक्षा के में चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिलीजन के नाम पे नारा लगाओ, रिलीजन इज इन डेंजर, धर्म खतरे में है, और सारा वोट तुम्हारी झोली में गिर जाए। आपने वोट की बात कर दी, इससे जुड़ा ही मेरा अगला सवाल भी था। सवाल ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और आने वाले जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके मद्देनजर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि सरकार यूसीसी को इसलिए ला रही है ताकि राजनीतिक फायदा सरकार उठा पाए। मैं कहता हूँ उन पार्टियों को कि आप यूसीसी को सपोर्ट करिए और आप भी फायदा उठाइए उसका।